गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए आज हम अपने अब तक की क्लास लेते बीएससी थर्ड ईयर में हमने एक एनिमल का हडमानिया जिसे हम सी पोटेटो के नाम से भी जानते थे हडमानिया के बारे में हम कंप्लीटली स्टडी कर चुके हैं। हडमानिया की एनाटॉमी है, उसकी फिजियोलॉजी है, उसके नर्वस सिस्टम है, उसका एक्सक्रीशन है, इनके सभी के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। और हडमानिया की जो लार्वा था उसका भी हमने मेटामॉर्फोसिस की स्टडी कर चुके हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट जो है एम्फियोक्सस। एम्फियोक्सस सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन की स्थिति अगर देखते हैं तो ये फाइलम कॉर्डेटा का सदस्य है। फाइलम कौन सा है? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का क्यों है? क्योंकि इसमें तीनों कॉर्डेटा के प्राइमरी कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, डोर्सल टिब्यूलर नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ग्रुप जो है वो है एक्रेनियटा, यानी इसमें क्रेनियम नहीं पाई जाती, स्कल नहीं पाया जाता। सब फाइलम अगर देखते हैं ये किसमें आता है? सिफेलोकॉर्डेटा में। किसमें आता है? सिफेलोकॉर्डेटा में। क्लास अगर हम देखते हैं तो लेप्टोकार्डी आती है, लेप्टोकार्डी एक ही क्लास पाई जाती है सिफेलोकॉर्डेटा में, लेप्टोकार्डी, ठीक है। और इसका जीनस अगर हम देखते हैं तो ब्रैंकियोस्टोमा। क्या आता है? जीनस ब्रैंकियोस्टोमा। देखो एम्फियोक्सस को हम ब्रैंकियोस्टोमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है। इसका भौगोलिक वितरण अगर देखते हो तो एम्फियोक्सस की लगभग 9 जातियां ज्ञात हैं। कितनी जातियां ज्ञात है? 9, जो अधिकतर वार्म वॉटर में यानी गर्म जल में पाई जाती है। भारत, चीन, जापान के समुद्र तट पर ये बहुत अधिक मिलता है। कहां प्रेजेंट होता है? भारत यानी इंडिया, चाइना, ठीक है, इन और जापान। इनके जो सी कोस्ट है इनके ऊपर बहुत अधिक संख्या में ये पाया जाता है। इसका एक उपनाम और है लेंस से लियोर्स, यानी दो धारी छुरी वाला, क्योंकि ये दोनों तरफ से तीखा होता है, अग्र भाग से और एनस यानी कोडल भाग होता है उससे भी वो तीखा होता है। दो धारी छुरी वाला इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दो धारी छुरी वाला, ठीक है। अब इसके हम हैबिट देखते हैं, हैबिट और हैबिटेट, हैबिट एंड हैबिटेट, आवास और स्वभाव। देखो ब्रैंकियोस्टोमा सामान्यतः समुद्री जल के अंदर छिछला जो पानी होता है, शैलो वाटर, वो रेतीले किनारे सैंडी कोस्ट पर पाया जाता है और पूंछ वाले भाग से रेत में बिल बनाकर रहता है। क्या रहता है? यानी रेत के अंदर मैक्सिमम इसका शरीर अंदर रहता है, सिर्फ आगे वाला पोर्शन रेत से बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, ठीक है। ये सीलरी फिल्टर है, सीलरी फीडर, पक्षमादी पोषक, यानी ये भोजन को छानकर ही खाता है सीलिया की मदद से। भोजन के रूप में जल धारा के साथ में जो भी छोटे छोटे जीव अंदर आते हैं उन्हीं को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, जैसे डेसमेंट्स, डायटम्स, ये सभी इसी के अंदर आते हैं। अब हम नेक्स्ट अगर इसकी हम बाहर की स्थिति देखें, प्राकृतिक स्थिति देखते हैं कि नेचुरल कंडीशन में किस प्रकार से हमें समुद्र के किनारे वहां पर किस स्थिति के अंदर किस प्रकार से पाया जाता है? देखो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें ऐसी स्ट्रक्चर नजर आएगी।
देखिए इसकी स्ट्रक्चर होती है, इतना कण ये रेत के अंदर सॉलिड के अंदर धंसा रहता है, मिल के अंदर इतना का पोर्शन बाहर की तरफ निकला होता है, ये बाहर की तरफ होते हैं, ये रोस्ट्रम है, ये अग्रभाग की स्थिति बता रहे हैं, ये आगे रोस्ट्रम है, ये ओरल सिराई है, ये क्या है ओरल सिराई, और इसे बोलते हैं ओरल हुड, क्या बोलते हैं ओरल हुड, मुख छद, और ये पूरा जो है इसे बोलते हैं व्हील ऑर्गन, व्हील ऑर्गन चक्रांग, इसे क्या बोलते हैं चक्रांग, और ये बीच के अंदर जो होता है उसे बोलते हैं वेस्टिब्यूल, क्या बोलते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक है। ये स्थिति आती है, ये एंटीरियर एंड है, ये आगे वाला अंत है, इसे बोलते हैं एंटीरियर एंड, ठीक है। ये इसके अंदर अगर इसकी ये तो हमने आगे वाली स्थिति बताई है, ठीक है, अगर इसकी हम पूरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उस समय आपको इसका क्लियरली इसका कि किस प्रकार से इसमें खंडों के अंदर पेशियां पाई जाती है, खंडों में गोनेट्स पाए जाते हैं, ये एकलिंगी होते हैं, यानी मेल है तो उसमें ओवरी पाई जाएगी, सॉरी मेल है तो उसके अंदर टेस्टिस पाया जाएगा गोनेट्स के रूप में, फीमेल है तो उसमें ओवरी के रूप में गोनेट्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे आडा भी होता है उस आकृति के अंदर, छोटे छोटे पेशियों के खंड पाए जाते हैं, तो वो पूरी स्ट्रक्चर होती है। इसका अगर हम कलर देखते हैं, देखो ये छोटा सकरा मछली के समान होता है जो 25 से 8 यानी 25 से 8 सेंटीमीटर लंबाई होती है, कितनी होती है लगभग 8 10 12 ऐसे सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ये सफेद शरीर सफेद पारपासी और पार्श्व से संपीड़ित होता है, दोनों सिरों से आगे वाले सिरे से और पश्चे वाले सिरे से दोनों से ये क्या होता है नुकीला होता है। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं बाघ से पूरी एनिमल की तो हमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है। इस एनिमल की देखिए यहां पर ये रोस्ट्रम है, इसमें फिन्स प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं फिनेट्स, फिन्स, इसमें गोनेट्स होते हैं, खंडों के रूप में प्रेजेंट होते हैं गोनेट्स, इसमें आडे वी खंडों के रूप में पेशियां प्रेजेंट होती हैं जिन्हें मायोटोम्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं मायोटोम्स, संपूर्ण लंबाई में प्रेजेंट होती है, पूंछ वाले खंड तक भी प्रेजेंट होती है,
ठीक है। ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट होती है इसमें, नोटोकॉर्ड, क्या प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड, ठीक है ना। यहां पर ये नोटोकॉर्ड है, ये क्या है, नोटोकॉर्ड्स, ठीक है। देखो ये वेंट्रल फिन है, ये डोर्सल फिन है, ये रोस्ट्रम था, ठीक है, ये टेल है, ये कॉडल फिन है, ये यहां पर एट्रियम कॉर्ड है, ये क्या है, एट्रियम कॉर्ड, जिसमें एट्रियल कैविटी आकर खुलती है। ये गोनेड्स हैं, ये क्या है, गोनेड्स, ये मायोटोम्स हैं, आटा भी जो है ये मायोटोम्स हैं। पेशी खंडों को, छोटे छोटे खंडों को क्या बोलते हैं, मायोटोम्स, ठीक है ना। और ये बक्कल सिराए हैं, ये बाहर की तरफ तो आपको दिख रही है, ये इन्हें क्या बोलते हैं, बक्कल सिराए, क्या बोलते हैं इनको, बक्कल सिरे, ठीक है। और अंदर की तरफ ये जो स्पिकिया है, इसे बोलते हैं ओरल हुड, ठीक है। ये आगे रोस्टर बता दिया मैंने, टेल, इसमें टेल पीछे की तरफ बता दी, और ये यहां पर ये एनस होती है, ये क्या है, एनस है, ठीक है ना। इस प्रकार से इस एनिमल के अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इधर से भी तीखा है, इधर से भी तीखा है, नोकिला है। इस चक्कर में इसको क्या बोलते हैं, लेंसलियर्स, यानी कि दो धारी छुरी वाला जो चाकू होता है उसी के समान होता है, ठीक है। फिन्स मैंने आपको बता दिए, डोर्सल फिन जो कंटिन्यूस होता है, बीच में कहीं पर भी इसमें कट नहीं होता, कोडल फिन के साथ में ये युग्मित रहता है, एक जुड़ा होता है। वेंट्रल फिन जो एट्रियम पोर से पहले ही समाप्त हो जाता है, आगे से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। कोडल फिन ऊपर से डोर्सल फिन से जुड़ा होता है, इधर एट्रियम पोर तक ही रहता है, ठीक है। फिर आता है देखो माउथ, धड़ के अग्रभाग में रोस्ट्रम के नीचे एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, माउथ कहते हैं। मुख पीछे की ओर किसमें खुलता है, वेस्टिब्यूल में, किसमें खुलता है, वेस्टिब्यूल में, ठीक है। छिद्र इसमें तीन होते हैं, एक यहां पर माउथ होता है, एक एट्रियम पोर है, और एक ये एनस है। कितने छिद्र इसमें, तीन प्रकार के छिद्र हैं, तीन छिद्र होते हैं पूरी बॉडी में, माउथ, एट्री और इसमें एट्री कैविटी आकर खुलती है, और एनएस जिसमें एलिमेंट्री के नाम अपने भी जो भी अपचित खाद्य पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का कार्य करती है, ठीक है। फिन्स मैंने आपको बताई दी कि फिन्स इसके अंदर दो होते हैं, डोर्सल फिन, वेंट्रल फिन और कॉडल फिन, अयुग्मित होते हैं। ये कौन से होते हैं, अयुग्मित। और इसमें मायोटोम्स की अगर बात करते हैं, मायोटोम्स छोटे छोटे यानी पेशी जो खंड होते हैं, पेशियां होती है, वो छोटे छोटे आटा सीधा के लिए होता है, आटा ऐसे होता है, इस आटे की आकृति में क्या प्रेजेंट होते हैं, मायोटोम्स होते हैं। पेशियां छोटे छोटे खंडों के रूप में होती है, जिन्हें मायोटोम्स कहते हैं, और ये मायोमेयर्स के द्वारा एक दूसरे से पृथक होती है, संयोजन तक का आवरण पाया जाता है, ठीक है। अब अगर हम इसकी सेक्शन काट, ये तो इसकी स्ट्रक्चर की, हम इसका सेक्शन काट के देखते हैं, तो इसमें बॉडी वाल का हम सेक्शन काट के देखते हैं, तो इसमें स्किन प्रेजेंट होती है, स्किन के अंदर जैसे स्किन के अलावा पेशी स्तर होता है, ठीक है, पेरेटल पेरिटोनियम प्रेजेंट होती है, स्कल्टन, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे, यानी इसका हम सेक्शन काटेंगे बॉडी वाल का। और बॉडी वाल का देह भित्ति अंदर से अनेक स्तरों से बनी होती है, सबसे बाहर की तरफ जो होता है पतला महीन पारदर्शी स्तर स्किन होती है, अति विकसित योग यानी विकसित पेशी स्तर होता है अंदर की तरफ, उसके बाद भी होता है पेराइटल पेरिटोनियम,
ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर में मैं जानता था रोस्टम है, बटल्स है, ये कोरल वुड है या प्रमाउंट होता है, ये वेंट्रल फिन है, ये एट्रियो पोस्टर है, ये एनएस है, खंडों के रूप में प्रेजेंट पेशी खंड है, ऊपर की तरफ नोटोकोड, उसके ऊपर डोर्सल टिब्यूलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर डोर्सल टिब्यूलर नर्व कॉर्ड होगी, ये नोटोकोड है, ये गोनेट्स है जो खंडों के रूप में प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। मेल के अंदर ओवरी के रूप में, जैसे मेल के अंदर टेस्टिस के रूप में गोनेट्स प्रेजेंट होंगे, फीमेल के अंदर ओवरी के रूप में गोनेट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसकी बॉडी वॉल, स्केलेटन और इसकी एलिमेंट्री कैनल के बारे में स्टडी करेंगे। जय हिंद।